संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर आज मुरादाबाद में जनपद भर की ईदगाहों से जुड़े सजदा नसीनों ने एक साथ अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन कराते हुए देश भर के मुस्लिमों को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी भी बहकावे में न आकर नियमानुसार कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और देश में अपनी भागीदारी साबित करें। इन सजदा नसीनों ने देश के उन वैज्ञानिकों पर भी भरोसा जताया है जिन्होंने कोरोना का टीका बनाकर तैयार किया है। दर्जनों की संख्या में आज सुबह जनपद भर की दरगाहों से जुड़े सजदा नसीन मुरादाबाद के महिला चिकित्सालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और आगे बढ़कर कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन कराते हुए विशेष रूप से मुस्लिम समाज में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सकारात्मक संदेश दिया है। आज यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इन्वाइट करा था पूरे खान का ही अपना मिशन को और शहर की जितनी भी दरगाह हैं सज्जादगान हैं उन सबको के जो गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है इसके अंदर आएँ और एक समाज को पॉजिटिव मैसेज देने का हमारा यहाँ पर उद्देश्य था कि लोग किसी भी तरीके के बहकावे में या गलतफहमी में ना आएँ और आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। मेरा नाम सैयद शिवलिमिया, मैं सज्जादा नशीन दरगाह शाह मुकम्मल साहब और कन्वीनर ऑल इंडिया खान का ही एक मिशन जी। मेरा नाम हयात नबी खान, हाफिज़ अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह कटघर में मदार शरीफ है, मौका सज्जादा नशीन हूँ। ऑल इंडिया खान का एकता मिशन का मैं सदर भी हूँ और आज मैं यहाँ पर कोविड 19 का पहला टीका लगवाने मेरे तमाम खान का एकता मिशन के हमारे सब साथी लोग आए हुए हैं या मेरे लग गया है और खान का मिशन के दूसरे सज्जादगान मुतवलियान जो दरगाहों के हैं वो लगवा रहे हैं। हमारे साथ साथ हमारे मुरीदीन वगैरह भी कुछ लोग हैं वो भी लगवा रहे हैं। मेरी सबसे ये मेरी गुजारिश है कि कोई अफवाहों पर ध्यान ना दें और ये टीका लगवाएं, जान है तो जहान है। इस टीके लगवाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई इस तरह का नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आपको कोरोना नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि ये इतने लोगों को फ्री में लगा रही है। देश में एक माहौल बनाया गया था कि वही मैंने कहा कि जो अफवाहें हैं वो जो माहौल बनाया जा रहा है वो अफवाहें हैं। इसको कोई किसी तरीके की इसमें कोई ख़राबी चीज़ नहीं है, कोई ख़राब नहीं है ना। इस अगर 1,000-2,000 में 10,000 में कोई एक आदमी का मामला होता तो उसके अपनी खुद की बीमारी से असर हो सकता है वो, लेकिन कोविड 19 में हज़ार लाखों लोग लग गए, कोई परेशानी किसी को नहीं आई। कितने लोग अभी आप हम लोग 10-12 लोग हैं जी। कहाँ के लोग हैं? खानकाह एकता मिशन के अहदेदार हैं, इमरान हैं, हाफिज़ इफ्तिखार साहब, पहलवान साहब रहमतुल्लाह के सज्जाद मुतवल्ली सज्जाद नशीन हैं, शाह मुकम्मल साहब के हैं, कुल्लू मियाँ, हज़रत शिवली मियाँ नहीं और हज़रत सरवर मियाँ, शाह बिलाकी साहब के सज्जाद नशीन, बब्बू भाई इश्तियाक हुसैन बब्बू भाई। आपने क्या संदेश दिया इस तरह के? बस यही है कि लोगों को यह मैसेज जाए कि इसको टीकों को लगवाएं, अफवाहों में ना पड़े, इसको अपनी जान बचाएं, अपने बच्चों की जान बचाएं। खुद बचे रहेंगे तो बच्चे भी बचे रहेंगे, नहीं तो खुद अगर इससे वो हो जाते हैं तो फिर दूसरे लोगों को परेशानी होगी, वो भी इससे इन्वॉल्व हो जाएंगे, दूसरे को लगता है, दूसरे से लगता है। सबसे ज़्यादा जो अपील है मेरी वो ये है कि इसको लगवाने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क को ना छोड़ें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। 1 अप्रैल 2021 को भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। पहले ये हो रहा था कि 45 साल से जितने भी ऊपर थे उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या जो अन्य बीमारी के साथ ही हो रहा था, अब कोई इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेकेंड वेव लगातार पीक आ रही है, लगातार केस बढ़ रहे हैं हर जिले में। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन पर ध्यान करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज खानकाह एकता मिशन की तरफ से सैयद शिवली मियाँ जी, नवाब हयातुल्लाह खान साहब, हाफिज़ इफ्ते हुसैन, प्रमुख दरगाह के जितने भी हमारे सज्जाद नसीन हैं सब लोगों ने टीकाकरण के लिए आए हैं, उनके लाखों एक एक के लाखों फॉलोवर हैं और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस कोविड वैक्सीनेशन में पीछे नहीं हैं, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जिससे पूरे मुरादाबाद को, पूरी यूपी को हम कोरोना से बचा सकें। धन्यवाद।